एवरीवन, मैं हूं अनवी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूं कि मदर्स डे का केक कैसे बनाते हैं। तो हमें मदर्स डे का केक बनाने के लिए एक चॉकलेट सिरप चाहिए, बिस्किट्स चाहिए और जैम्स चाहिए एंड टू ब्रेड्स फॉर स्प्रेडिंग एंड नाइफ। तो हमें इन ब्रेड्स को सर्कल में कट होना चाहिए। वन ब्रेड बिग सर्कल एंड सेकंड ब्रेड स्मॉल सर्कल फॉर टू लेयर्स। तो गाइस, हमारे केक के सर्कल्स डन हो गए। हमें दो सर्कल्स, दो टाइप के सर्कल्स चाहिए, एक बड़ा एक छोटा, पर हम दो लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं किसी एक में। जैसे कि मैंने इस छोटे वाले के ब्रेड को यूज़ करके एक और लेयर बना लिया बड़े वाले के लिए, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको दो दो लेयर्स चाहिए इन दोनों ब्रेड्स के लिए तो आपको इसके लिए तीन ब्रेड्स चाहिए होंगे, और मैंने बस दो ब्रेड्स यूज़ करके तीन लेयर्स बना लिए। अब नेक्स्ट आ गया स्प्रेडिंग। मेरे को बिल्कुल अच्छे से नहीं आती, बट मैं ट्राई करूँगी स्प्रेड करने को। तो हमें बड़े वालों को साइड में रखना है। सबसे पहले आता है छोटा वाला, क्योंकि छोटा वाला ज़्यादा इजी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम नर्वस। ओके, ओ प्लीज वर्क। Oh, so chocolatey! I want to eat it. It's so chocolatey! Oh my gosh! Wow! Okay. Now just spread it. Spreading, spreading. Have some fun. Spreading, spreading. Okay. Almost half. I think that was not enough for this bread. Seriously, how much do you eat chocolate bread? Okay, this bread also likes the chocolate. It wants more. इसको और चाहिए। हो गया? Okay. Oh, yeah, sir. See, I said I don't know how to spread. Look at this. This hole the chocolate just went through the hole. How much chocolate does it need? I'm trying to use a trick. This came in my mind. Okay, I didn't mean that. It just fell off the knife. कैसे स्प्रेड करूँ मैं इसे? हाँ, हो गया, आधा हो गया। बस इसे स्प्रेड। ये ब्रेड फटने वाला है। ब्रेड सच्ची में फटने वाला है गाइस। ब्रेड फटने वाला है। दिस ब्रेड इज गोइंग टू एक्सप्लोड बाय ईटिंग दिस होल चॉकलेट, बंच ऑफ चॉकलेट। आई हेट स्प्रेडिंग। दिस मच इज इनफ। दिस लुक्स लाइक अ केक, I mean a cookie with chocolatey yummy. Okay, put some more on it, and now I need to be careful to not spill it over any of the holes. The holes already eat it, and nothing is left for the poor braids. Taking half for this side, and also cover these sides, guys. If I don't cover it, that doesn't worry. If you don't want to cover, it's okay. But अगर cover करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. Oh, almost done.
गाइस, जस्ट आई विल ट्राई स्प्रेडिंग द होल स्मॉल केक. इफ दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम स्प्रेडिंग ऑन अ स्मॉल लिटिल केक, and how much time will it take to spread on this? Oh my gosh, really? Oh my gosh. Okay, I'll just spread it and get back. So guys, I am stopping for now, and I'll come back when I spread this bunch of thing, little bread. ओके तो गाइस, मेरे छोटे केक पे स्प्रेडिंग कंप्लीट हो गई है जैसा कि आप देख सकते हैं. और मैं सोचती हूँ इन साइड्स को बाद में स्प्रेड करूँगी जब सारा केक स्प्रेड हो जाएगा अच्छे से. तो चलो ये इस केक को साइड में रखते हैं, टॉस इट साइड. ओके, कोई कंटेनर जिसमें मैं रख सके. ओ, एक कटोरी है मेरे पास. ओके, पुट इट इनसाइड इट एंड डू दिस. आई एम अफ्रेड ये केक पहले से ही टूटा हुआ है थोड़ा सा. इसका थर्ड लेयर पहले से ही थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो मेरे को डर लग रहा है और टूट ना जाए. अच्छा, उस ब्रेड पे ज्यादा होल्स नहीं है. एंड काश की इतने में हो जाए. काश. मेरे हैंड्स चिपचिपे हो गए इस चॉकलेट को यूज करते. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट स्प्रेडिंग. इतने सारे चॉकलेट में ये इतना स्प्रेड हुआ. मैं थक जाऊंगी इसे स्प्रेड करते करते. मैं सच्ची में थक जाऊंगी इसे स्प्रेड करते करते. मैं थकने वाली हूँ इसे स्प्रेड करते करते. हाँ, एक काम करती हूँ, इसके छोटे छोटे डॉट्स भी तो नहीं लगा सकती. देखो ये निकले जा रहे हैं साइड में. कोशिश करती हूँ छोटे छोटे डॉट्स लगाने की, फिर उसके बाद एक क्या पता काम कर जाए. और अगर ये डॉट्स कहीं पे भी भाग के गए तो मैं और चॉकलेट नहीं यूज़ करने वाली इस केक के ऊपर सच्ची में. अरे डॉट्स मुश्किल से स्प्रेड भी हो रहे हैं, तो शायद मुझे करना पड़ेगा और चॉकलेट यूज. ओके गाइस, आई विल कॉल यू बैक आफ्टर आई स्प्रेड ब्रेड. बाय फॉर नाउ, जस्ट फॉर 1 मिनट. तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बड़ा वाला ब्रेड भी डन, हमारा बड़ा भाई भी डन हो गया है. एंड टाइम फॉर दिस लिटिल मिनी चोको टू गो ऑन हिज बिग ब्रदर्स बैक. मेरे को लगता है इस वाले को सही से स्प्रेड नहीं हुआ है, बट कोई नहीं, दैट्स ओके. साइड में अभी तो स्प्रेड करना ही है बाद में. एंड नाउ इट्स टर्न फॉर द थर्ड लेयर. फाइनली लास्ट लेयर आ गया. फाइनली. अब ये बहुत ईजी होगा क्योंकि बीच में इसका सर्कल कटा हुआ है. मैंने इस फटे हुए ब्रेड को रीयूज किया. लेट्स स्टार्ट स्प्रेडिंग एंड आई होप कि ये नीचे ना जाए इस ब्रेड से. ओके, इस पर स्प्रेड करना सच्ची में, मैं सच बता रही हूँ, ईजी होगा, बहुत ईजी.
बहुत इजी, बहुत इजी। काश कि इसमें मेरे को ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मैं इसके लिए एक कंटेनर ढूंढती हूँ कि क्या पता है और फट जाए स्प्रेडिंग के वक्त। तो मैंने उसी छोटी सी कटोरी में रख दिया ऐसे। देखो ये कैसा लग रहा है, इतनी छोटी कटोरी और इसके ऊपर इतना बड़ा ब्रेड, आई मीन केक। ये केक जैसा दिखने लग गया है ना गाइस, मेरे को नहीं पता। ओके लेट्स लेट्स गेट स्प्रेडिंग। सच्ची में ये और हार्ड होगा, मैंने जो कहा था ना वो मैं सच्ची में वापस लेती हूँ। सच्ची में और हार्ड है ये, और हार्ड है, हार्ड से शिट यार। ओके ये ज़्यादा इजी है, ये सच्ची में ज़्यादा, ये थोड़ा इजी है ये करना। ऐसे तो हमें कॉर्नर्स कॉर्नर्स के लिए और ज़्यादा यूज भी करने नहीं पड़ेंगे। ओह शिट यार, ओह मैं तंग आ चुकी इस ब्रेड से। हेल्प मी समवन प्लीज। ओह देखने से लग रहा होगा पूरा स्प्रेड हो गया, बट ये बचा है और ये बचा है, आगे सब तो हो ही गया ऑलमोस्ट। मेरे को चॉकलेट से फिल कटोरी लेके आ। ओके 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 ये नीचे गिर गया, शिट यार। इन ब्रेड्स ने ना मेरे को तंग करके रख दिया साथ साथ में। कोई नहीं, मैं इस ब्रेड इस चॉकलेट, इस गिरे हुए चॉकलेट को यूज़ कर सकती हूँ रीयूज, जैसे मैंने इस चीज़ को रीयूज़ किया। और ये चॉकलेट ले नहीं रहा अपने ऊपर से। शिट यार, ऐसे मेरे साथ क्यों होता है, मेरे को स्प्रेडिंग क्यों नहीं आती। वैसे हाँ समर ब्रेक में हमारे एक्टिविटीज़ के क्लासेस होती थी और हमारी एक टीचर ने, मैथ्स टीचर ने सिखाया था ब्रेड बनाना। मेरे को वो मैथ्स टीचर बहुत अच्छी लगती थी, उनका नाम पलक मैम था। Done! Yes, finally! Finally it's done! Now it's time for the corners! Time for the corners! And yes! तो corners हम बाद में करेंगे guys. एक और step है हमारे spreading का, step तो done. अब हमें उसके बजाय biscuits चाहिए, Oreo और Bonbon. अब एक biscuit भी यूज़ कर सकते हो, एक छोटा सा ओरियो का पैकेट और एक बड़ा ओरियो का पैकेट इसके बराबर, या फिर एक छोटा बॉर्नबॉर्न पैकेट और एक बड़ा। तो हम मेरे पास ओरियो और बॉर्नबॉर्न ही बचे हुए थे सिर्फ, तो मैं उनसे अभी बना रही हूँ। बॉर्नबॉर्न्स के हमारे बिस्किट्स यूज़ होंगे केक को डेकोरेट करने के लिए साइड साइड में, और ओरियो के क्रीम्स, क्या पता बॉर्नबॉर्न के क्रीम भी यूज़ कर रही हूँ मैं। और अच्छा हुआ मेरे पास ओरियो का ब्राउन क्रीम वाला पैकेट है, क्योंकि बॉर्नबॉर्न के साथ मैच करेगा। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी तो मेरे को इन सब इनको खोलना है, फिर अलग अलग कटोरियाँ लेनी है, उसके अंदर रखना है, कितना सारा काम है यार मेरे पास। एक कटोरी बिस्किट के लिए और एक कटोरी क्रीम के लिए, लेट्स गेट गोइंग। I want to eat it. ओरियो कितना सुंदर लग रहा है, वैसे ज़्यादातर ओरियो ही यूज़
जो डेकोरेट करने के लिए केक, तो मैं भी ओरियो यूज कर दूँ। ओरियो इस पर ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। और इसके थर्ड लेयर लेयर के लिए मैं ओरियो यूज़ कर सकती हूँ, मतलब फोर्थ लेयर के लिए। देखो इतना सुंदर लग रहा है, ओ वाओ। ओके मैं ओरियो यूज़ करूँगी थर्ड, इसके थर्ड फोर्थ लेयर के लिए। ओके मैंने ओरियो के सारे निकाल दिए। टाइम फॉर द क्रीम्स, हमें एक और नाइफ चाहिए क्रीम्स हटाने के लिए साथ सब पे से। देखो ये कटोरी कैसे भर चुकी, ओ यस कितना यमी। सच्ची में सबको लगा हुआ मैं खा रही हूँ, बट मैंने कुछ नहीं खाया। मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले इस लेयर को चिपका देती हूँ ना, क्या जाता है ये क्रीम में कितना चिपचिपा सा है। तो इस क्रीम को इस पे, ये क्रीम इस पे गया, ये बिस्किट इस पे गया, टडा चिपक गया। मेरे को नहीं पता ये चिपका या नहीं, कम से कम उठाएंगे तो ये गिरेगा तो नहीं ना। ये थोड़ा थोड़ा स्टिकी है क्रीम, तो क्रीम को मैं चिपकाने के लिए यूज़ करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड, हमारे दो ओरियोस खाली हो गए। नेक्स्ट क्रीम फॉर दिस, एक काम कर सकते हैं हम, एक एक ओरियो की क्रीम को एक एक लेयर को चिपकाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम मैं साइड साइड में भी रख रही हूँ ताकि दिखे कि ये ओरियो क्रीम्स हैं। ओके हो गया, ये कहाँ से आया। ओके तो अब बस एक और ओरियो क्रीम, एक और ओरियो क्रीम लो, उसको निकालो, फिर उसके बाद उसको इसके नीचे रखो। वैसे इसके लिए तीन काम कर सकते हैं, हाँ इसके लिए मैं तीन ही रखती हूँ। अगर कम पड़ गया तो मैं एक और ओरियो का पैकेट ला सकती हूँ, मेरे पास एक और है। ओके सच्ची में कम पड़ने वाला है। तो गाइस आई विल टेक जस्ट 1 मिनट ब्रेक टू ब्रिंग दी अदर ओरियो पैकेट। ये मुंह जैसा दिख रहा है ना, ये मुंह जैसा दिख रहा है, ओ शॉकिंग। ओके होप इस पे अच्छे से स्टिक हो जाए। एंड डन, एंड डन। ओए मेरा हाथ, अरे यार सच अ मेस। आई विल गेट अनदर ओरियो। तो गाइस मैं ले आई हूँ बिस्किट का पैकेट नया वाला, एंड लेट्स ओपन इट एंड गेट स्टार्टेड। अगेन गेट स्टार्टेड। ओके ये व्हाइट क्रीम है, नो बट कोई नहीं, व्हाइट क्रीम भी हम यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास डबल लेयर्ड होते तो कितना अच्छा होता, मेरे को ज़्यादा बिस्किट्स यूज नहीं करने होते। बट व्हाइट वाले मेरे फेवरेट है गाइस, व्हाइट वाले मेरे फेवरेट है। गॉट इट, गेट डन इट, stick it from this big guy। shit इसके लिए मेरे को बहुत सारे चाहिए होंगे, तो मैं इसको कहाँ रखूँ। meanwhile please say you will work। oh हाँ काम कर रहा है, तो चलो मैंने एक बड़े से ग्लास के ऊपर रख दिया उसे, शायद वो काम करे कंटेनर के लिए उसके तब तक। ओके लेट्स गो। मेरे पास कुछ ज़्यादा भर कटोरी वो नहीं होंगे बिस्किट्स, तो मेरे को ओरियो बिस्किट्स ज़्यादा खास अच्छे नहीं लगते, बट उसके क्रीम्स तो मैं चाट चाट के खाती हूँ, मेरे को बहुत यम्मी लगते हैं ओरियो क्रीम। प्लीज ओके हमें इस टाइप से पूरे राउंड तक ले जाना है इसे, और नीचे दिखना वैसे ज़रूरी नहीं है,
ओए बच गया, कम से कम एक गंदा तो नहीं हुआ यार। बस कितनी भर कटोरी है मेरे पास तो। लगाओ अभी ले लेती हूँ यूज करने के लिए। और हाँ इसको थोड़ा सा दबा देना है ताकि इस स्टिक हो जाए इससे थोड़ा सा। वैसे कंप्लीटली तो पक्का स्टिक नहीं होगा। ओ यस मेरे पास दो और बचे हुए हैं, एक और बचा हुआ, ये दूसरा है। फिर इसके बाद लास्ट एक। मेरे पास कितने सारा है, किस चीज़ के लिए यूज़ करूँगी ना। मेरी मम्मा वैसे बहुत अच्छा ओरियो केक बनाती हैं तो उनको दे दूँगी बनाने के लिए एक बड़ा वाला है वे केक। और हाँ ये टूटे हुए साइड को तो चिपकाने के लिए बहुत अच्छे से काम आएंगे। तो वैसे भी मेरा लास्ट ओरियो बचा हुआ है, उसको भी यूज़ कर लेती हूँ। फिर देखते हैं क्या करना है। बॉन बॉन के अब यूज़ करूँगी मैं, ज़्यादा नहीं वेस्ट कर रही हूँ ओरियो। मेरे को ठीक ही लगते हैं ओरियो, कम से कम घर खा तो लूँगी। आपको नहीं लगता गाइस कटोरी कुछ ज़्यादा भर गई है तो इसकी हेल्प करते हैं थोड़ी सी, इससे हमें मिल भी जाएगा। और कोई बचा हुआ नो, हमें बॉन बॉन भी तो चाहिए। हम साइड में इनको स्टिक भी करेंगे फिर उसके बाद। ओके ये डन हो गया। ईश लीव इट, मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, इसका रोल बनाओ फिर उसके बाद इसको ऐसे रखो, डन। टड़ा, इसके ऊपर अगर मैं चॉकलेट लगाऊं तो वाओ कितना अच्छा लगेगा। एक बार बस ट्राई कर लेती हूँ। वैसे भी एलमंड चोको एलमंड है यार, मैं कैसे करूँ ये सारे के साइड साइड। एवरीबडी साइड प्लीज, आई एम ट्राइंग अ न्यू रेसिपी। And just magical chocolatey, wow, yummy, कितना yummy है, wow, looks so yummy। मैं थोड़ा सा इसको spread कर दूँ, spread, ऐसे ये सारे भी एक साथ चिपक सकते हैं शायद, चांसेस हैं चिपकते हैं, बट मेरे को नहीं पता ये वाला चॉकलेट सिरप स्टिकी होता है या नहीं। ये गिर गया नीचे, इसको मैं इस पर यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि इस पर ज़्यादा भी चॉकलेट नहीं है। टड़ा, यम्मी चॉकलेटी वाइट क्रीम। वैसे ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा वाइट ही दिखे, तो बॉन बॉन के भी वो यूज़ कर सकती हूँ। और अच्छा मेरे पास ज़्यादा बॉन बॉन्स हैं। बाय, जितना सोचा था उससे ज़्यादा इसमें, पर इतने भी ज़्यादा नहीं कि पूरा का पूरा एक बड़ा सा डिब्बा भर दे। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। इनके ऊपर क्रीम डालने की कोई ज़रूरत नहीं, बट ये उनसे मैच करेगा तो ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों रख रही हूँ, सी इसमें इससे तो एक्स्ट्रा हो गया, बट इसकी क्रीम इतनी स्टिकी नहीं है तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। इसकी क्रीम बहुत सॉफ्ट सी है, देखो पाउडर बन गई एक ही सेकंड में। ये मेरे को अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी, इस पाउडर को अभी के लिए यहीं पर डाल दो। शिट यार मेरा केक खराब हो गया। कम से कम खा तो सकती हूँ इसे। मम्मी मैं तक तो खा लेती हूँ। यम्मी, लेट्स गेट गोइंग। मेरे हाथों का हाल देखो गाइस, पूरे चॉकलेटी हो गए। और ऐसे क्लोज कर देती हूँ ताकि इसमें मिलता हूँ। और हाँ लास्ट में एक मेरे को सरप्राइज करना था, तो हम एक काम करेंगे, इन बिस्किट्स को लास्ट में हम नहीं चिपकाएंगे,
हम एक काम करेंगे, लास्ट में कुछ और करेंगे, बट मैं वो आपको लास्ट में दिखाऊंगी। यार कितना टाइम लगेगा। तो गाइस अभी मैं इसको फिल करके वापस आती हूँ, तो अभी मैं 1 मिनट में वापस आए। तो गाइस मेरा ये डन हो चुका है, लास्ट स्टेप नहीं मेरे को लगा, लास्ट ओके ओके कंप्लीटली स्टिक हो चुका। 3, 2, 1 एंड गो। ओके दिस लुक्स यम्मी। कैसा लग रहा है गाइस? अच्छा लग रहा है ना देखने में, इतना क्यूट था। ओ सो क्यूट, मैं स्वीट बोलने वाली थी। अभी तो और बाकी है, अभी तो और बाकी है यार, और सुंदर लगेगा केक। अभी हमें जेम्स यूज करने हैं, और ये 2 और स्टेप्स बाकी है हमारे डेकोरेशन। तो सबसे पहले हम जेम्स करते हैं। 1 मिनट में हैंड वॉश करके आए, क्योंकि मेरे हैंड्स का हाल चॉकलेटी। हाँ ये स्प्रेड करते करते ये सब करते करते हो गया 1 मिनट। सो गाइस आई एम बैक एंड लेट्स ओपन द जेम्स। आप 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो। मैंने 2 ले आई क्योंकि मेरे को लगा कि ये कम पड़ेंगे। यस खुल गया, खुल गया। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, चिपचिपा सा हो गया। नो वरी, वैसे भी चॉकलेट के ऊपर गिरा हुआ था। 1 मिनट कुछ लिख सकती हूँ इससे, हैप्पी मदर्स डे मम। बट इसको मैं पहले पैक को ऐसे डेकोरेट करने के लिए यूज करूँ। आप खाने के लिए यूज करूं तो कैसे लगेगा? खाने में तो जेम्स अच्छे लगते हैं। इसको कलर वाइज डेकोरेट करो तो। ओके डन, कलर वाइज डेकोरेशन। गाइस मेरे पास कोई कटोरी नहीं है, तो मैं ग्लास में रख रही हूँ सारा। देखो तो कितना कलरफुल है ये, कलरफुल है ये। फिर उसके बाद मैं इसका पाउडर लेके आऊंगी और इस इन साइड्स पे डेकोरेट करूंगी। इनका मिक्स करके पाउडर भी बना सकते हो आप, या फिर आप चाहो तो आप ऐसे ही भी बना सकते हो। मैं पाउडर मिक्स करके लाऊंगी, या फिर मिक्स करवा के लाऊंगी। क्योंकि मैं तो छोटी हूँ, मैं बस 9 ईयर्स की हूँ। तो गाइज आई एम बैक एंड एक बैड न्यूज है, ये पाउडर नहीं बन पाया पर कैंडी जरूर बन गई। शिट यार, बट कोई नहीं, हम कैंडी से भी एक वो रास्ता ढूंढ सकते हैं कुछ बनाने का इससे। तो लेट्स सी हम इस कैंडी से क्या कर सकते हैं। पहले इसको एक में मिक्स करने की कोशिश करती हूँ मैं। कितना बड़ा, मेरे पास अच्छा सा आइडिया है। वैसे पहले हम इसे डेकोरेट करें, ये चिपकेगा नहीं पर फिर भी ठीक ही है। एंड नेक्स्ट कम्स द नॉट द अल्टीमेट थिंग, व्हाट इज दैट, मैं अल्टीमेट थिंग बोलने वाली थी, हम मैं लिखने वाली थी। मैं सोची मैं लिखूंगी हैप्पी मदर्स डे या फिर आई लव यू मम। लव यू मम ज़्यादा इजी रहेगा, तो मैं लव पहले लव बनाती हूँ। हार्ट, हार्ट कैसे बनाऊँ अब? शिट यार, 1 मिनट, बस एक बड़ी सी लाइन, लंबी सी लाइन बन जाए, फिर उसके बाद बन जाएगा हार्ट, है ना? इजी ना, इजी, प्लीज से इट इज इजी, इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी।
छोटा सा हार्ट बना। कोई नहीं, इतना काफी है, अंदर भी स्पेस फिल हो जाए तो ठीक है। लव, आज अपने मम्मा कार्ड भी दूंगी, एक अच्छा सा कार्ड और एक मम्मा के लिए केक। कितना अच्छा होगा ना ये सरप्राइज। बस जल्दी करा लव, जल्दी बन जाए बस, ये इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है ना। यो लव यू, एक मिनट, यू कम डी ज्यादा लग रहा है, उल्टा वाला डी जो होता है ना, ये डी ज्यादा लग रहा है, अब थोड़ा यू लग रहा है। बस अब हार्ड वाली चीज लिखने का चांस। माम, ओके जल्दी से हो रहा जल्दी, फिर उसके बाद जो बचेगा मैं वो खाऊंगी, अम्मी अम्मी खाऊंगी मैं उसे। कह सकती हूँ जेम्स मेरा फेवरेट है सारे चॉकलेट्स में, और हाँ मेरे को चॉकलेट्स इतना पसंद भी नहीं, बट जेम्स फिर भी चॉकलेट से ही बनता है, बट फिर भी जेम्स एक ही चॉकलेट है जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। शिट यार, मम के मैं लाइन खींच के कैसे लिखूं, एम ओ एम। चलो बन गया ए, पहली लाइन एम का। एम, ओ ये भी काम चला सकते हैं इससे भी। खराब हो गया। शिट यार, मैं कैसे बनाऊं इसे, हार्ड है, बहुत हार्ड है गाइस, ये बहुत हार्ड है। अगर इजी लगे तो कमेंट्स में बताना, बट ये मेरे लिए तो हार्ड है, देखने से इजी लगता है पर हार्ड है। ओके गाइस, तो मैं इसे फिनिश करके मैं वापस आती हूँ, सो लेट्स गो। तो गाइज मेरा हो गया लव यू मॉम, एक मिनट आपको दिखाऊं कैसे। शिट यार, इस केक को हिलाने अब मुश्किल हो गया है, एक जेम बचा हुआ है। लव जेम्स, केयरफुली, एक भी क्रीम को नहीं तोड़ना यार, बीच में का तो टूटा हुआ था, मैं भूल गया। Love you, mom. इस केक को उठाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्रीम टूट गया तो कोई नहीं, बट सब टूट गया तो साइड्स को मैं ओ को मैं ऐसे कर सकती हूँ। Love you, mom. Love me pink. ऐसे ठीक है, ओरियो के ऊपर ही ये जाएगा तो कितना क्यूट लगेगा, बट जा नहीं सकता। टू पिंक ढूंढने की जितनी भी हो सके उतनी कोशिश करूंगी, बस वन लास्ट पिंक, फिर इसके बाद एक कलर चूज करती हूँ। दो येलोज बचे हुए हैं, शायद काम चल गया उनसे। वन येलो, क्योंकि मेरे मम्मा का कलर फेवरेट कलर येलो है। एंड टू, देखा काम चल गया ना, मैंने बोला था ये काम चल करेगा। एंड द लास्ट फिनिशिंग टच इज अल्टीमेट चॉकलेटी। फिर इसके बाद हाँ गाइस, इसको फ्रिजर में भी रखना है ताकि ये सही से, इसको साइड साइड से ऐसे कर दूँ ताकि एकदम चॉकलेटी चॉकलेटी सा लगे।
OMG, ओके, ये सब अब इसको कहते हैं अल्टीमेट। खराब हो गया। मम्मी थोड़ा से बच गया। इसके ऊपर एक चॉकलेट जो ड्रिप्स होती है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है सबको, चॉकलेट की ड्रिप्स। ओरियो को भी कवर कर दूँ तो चॉकलेट की ड्रिप्स से। वाह यार, ओके, सच्ची में ये कुछ ज्यादा चॉकलेट नहीं हो गया ना, ज्यादा चॉकलेट हो गया ये। तो मैं इसको स्प्रेड करने की कोशिश करती हूँ थोड़ा सा ओरियो पे। ओरियो पे स्प्रेडिंग तो इजी होगा। देखा, ओरियो एक अल्टीमेट चॉकलेट बन गया, अल्टीमेट चॉको। और ये केक कम पैनकेक ज्यादा लगते हैं ना, ये केक कम पैनकेक ज्यादा लगते हैं सच्ची में। मैं सच बता रही हूँ, मेरे को पैनकेक जैसे लग रहा है, मेरे को भी खाना है। इसके ऊपर क्या ऐड कर सकूँ तो और अच्छा लगे। लेट मी सी, मैं ये ऐड कर दूँ तो कैसे लगेगा। ये एक छोटा सा टाइनी बॉल बनाती हूँ, इसके ऊपर ऐड करती हूँ, फिर देखना एकदम मस्त लगेगा। देखो, और वैसे भी दोनों चॉकलेट थोड़े थोड़े स्टिकी है। सी, कितना सुंदर लग रहा है, मेरे को बहुत क्यूट लग रही है। वाओ यार, वाओ वाओ। हाँ, मैं वेट नहीं कर सकती, कि कब मैं मम्मा को दूँ अपनी। कितना सुंदर दिख रहा है ना ये, टेस्ट जितना सुंदर उतना टेस्टी है ना यार। और हाँ, टेबल में बहुत सारी गंदगी है। ओ, टेबल में बहुत सारी गंदगी है। मैं ये अभी के अभी खा रही हूँ। मैं झूठ बोल रही थी, मैंने खा ली, मैंने स्पेशली अपनी मम्मा के लिए बनाया है। तो गाइस, आई होप यू एंजॉयड टू मेक अ केक विथ मी एंड लव माय वीडियो। एंड गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। और हाँ, कमेंट्स में ये बताना मत भूलना कि आपको ये केक बनाना इजी दिख रहा है या फिर इजी लग रहा है या फिर हार्ड दिख रहा है। तो बाय गाइस, होप यू एंजॉयड द वीडियो। गाइस, मैं मनवी सिंह और आज है मदर्स डे। सरप्राइज देने वाले मम्मा को। वेट, जस्ट ये मैंने केक बनाया था खुद से। लेट मी लाइट दिस कैंडल। वाओ, इट्स नाइस केक, वेरी नाइस। यहां यहां हिडन। ओह, इट्स वेरी आर नाउ लिव इट, लिव इट, लिव इट हियर। जस्ट वन मिनट। उस पे नहीं आएगा, नहीं जाएगा, उस पे नहीं आएगा, टूट जाएगा, देखो टूट जाएगा, टाइट हो गया ना फ्रिज में, फ्रिज में टाइट हो गया बेटा, उस पे नहीं आएगा। धीरे धीरे चला, धीरे धीरे। हाँ, दिलेगा, दिलेगा, रुको रुको। कैसे बनाए? धीरे से चला, धीरे से। पापा पापा, 1 मिनट 1 मिनट, इसको इसको 1 मिनट फूकना, इसको सही से सेट कर दूंगा। सही 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 है, इसको नीचे रख दो आप लोग। इसमें 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 नहीं गिरेगा, हाँ चलो, इसको अब नहीं गिरेगा। लिख लो, हैप्पी मदर्स डे। जल्दी जल्दी चलो, चलो चलो। क्या लिखा है? तो वहाँ पर वहाँ लिखा है। बाद में।
नाइफ लाओ नाइफ पढ़ सुनाओ क्या क्या लिखा है क्या लिखा है अनिल पढ़ सुनाओ क्या लिखा है क्या लिखा है बताओ मदर्स डे लव यू मैम एम इज फॉर मार्वेलस ओ इज फॉर आउटस्टैंडिंग टी इज फॉर truthful, H is for hardworking, A is for energetic, and R is for responsible. Wow. What is this? You wow. are everything to me, ma'am. Wow, nice, so nice. Great, great. Okay. Now cut the cake. Bring the knife, no? Anvi? कितनी मेहनत की है यार इसको भाई कब की भराई है वो चलो केक कट करते हैं कबीर नहीं था उन्हें ये अनी का केक वाह वंडरफुल केक हाँ ओ नहीं कटोरा इस पे भी लिखा हुआ था लव यू थैंक यू कितना मेहनत किया है मेरा बच्चा मैं ये कल से प्लानिंग कर रही थी ये देखो केक केक कबीर केक कट गया आप कहाँ थे वाव नाइस केक टेस्टी सब लोग खाएंगे आप भी खा लो ये बीच में ओरियो के ऊपर मैंने वो चॉकलेट सिरप डाला नहीं खाना हम लोग वीडियो देख रहे थे ना आपको तो केक पसंद